अक्सर कई वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें कोई पुलिसकर्मी लोगों को बुरी तरह मारते नजर आते हैं। ऐसी एक मामला उत्तराखंड के किच्छा से सामने आया है, जहां पुलिस वालों ने एक बेगुनाह को इस हद तक पीटा जिससे उसका एक हाथ भी टूट गया। बेगुनाह से मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों का जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो वहां इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस का कहना है कि मारपीट करने वाले पुलिस वाले उनके थाने के नहीं हैं। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जिले में किच्छा के पुराना गल्ला मंडी रेलवे गेट पर शुक्रवार रात लगभग 11:30 बजे कुछ पुलिस कर्मियों के हाथों मानसिक रूप से अस्वस्थ, जिसका नाम इकरार है, उसको पीटने का एक वीडियो सामने आया है। इकरार ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि रात उसके साथ पुरानी गल्ला मंडी रेलवे गेट पर कुछ पुलिस कर्मियों ने मारपीट की। इस घटना में उसका एक हाथ टूट गया और शरीर पर कई जगह चोट लगी है। इकरार ने पुलिस से गुहार लगाई है कि उसके साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। बता दें कि किच्छा में रहने वाले इकरार की पिटाई का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। वहीं कोतवाल अशोक कुमार ने कहा कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी ये पता नहीं चल पाया है कि ये पुलिसकर्मी कौन थे जिन्होंने बेगुनाह पर अपनी ताकत आजमाई। फिलहाल पुलिस की तफ्तीश जारी है।